सभी को नमस्ते। मैं दिनेश अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से, और आज जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं उस पूरी चर्चा में, वो मुख्य रूप से अपनी जो बातचीत है वो पुस्तकालय के इर्द गिर्द ही चर्चा होगी अपनी। और पुस्तकालय का कुछ हम लोग विभिन्न शिक्षा आयोगों ने पुस्तकालय को किस तरीके रिकमेंड किया हुआ है हमारी शिक्षा व्यवस्था में, उनकी क्या मान्यता रही है, उसको लेकर बातचीत हम लोग करेंगे। और साथ ही वर्तमान परिस्थितियों में पुस्तकालय का जो स्वरूप जिसको हम लोग महसूस करते रहे हैं, उन परिस्थितियों में कुछ बदलाव भी हमें देखने को मिला हुआ है, तो हम लोग इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और इसको फिर खोजने का क्या तरीका हो सकता है हम लोगों का, कैसे इसको हम लोग सर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग अपनी बातचीत को आज इसमें रखेंगे। तो मैं शुरुआत जो करने वाला हूँ वो ये है कि अगर हम लोग पुस्तकालय को देखें तो भारत का अपना पुस्तकालय को लेकर एक बृहद इतिहास रहा हुआ है, और भारत की जो जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था जो रही है उसमें पुस्तकालय के महत्व को बहुत ही अच्छे रूप से प्रदर्शित किया गया है उसमें। और जिसमें अगर मैं प्रमुख रूप से बात करूँ तो तक्षशिला, जिसको हम सभी लोगों ने सुना होगा और जानते होंगे, वहाँ का अगर पुस्तकालय की बात की जाए उस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की, तो आप देखेंगे कि वो इतना बृहद पुस्तकालय था जिसको नष्ट करने में एक साल से ऊपर का समय लग गया। जो उस समय के शासन की व्यवस्थाओं के कारण उसको विध्वंस किया गया उस पुस्तकालय को। तो हमारे भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो पुस्तकालय का अपना एक महत्व रहा हुआ है और लगातार उस पर बना भी हुआ है, और समय के साथ साथ परिस्थितियों के साथ साथ कुछ इसमें परिवर्तन भी लगातार आते रहे हुए हैं। अगर हम देखते हैं पुस्तकालय की स्थितियों में, तो जब प्राचीन व्यवस्था में प्रिंटिंग प्रेस जैसी कोई व्यवस्था जब नहीं थी, तो शायद पुस्तकालय और विभिन्न तरीके के ग्रंथों की जो पहुंच थी वो बहुत सीमित लोगों तक ही निश्चित हुई थी, और वो आम जनमानस के लिए उस तरीके सहज रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती थी, ना ही लोगों की पहुँच उस तरीके की चीज़ों पर होती थी। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का धीरे धीरे जो विस्तार हुआ, और विस्तार के कारण पुस्तकालय की परिस्थितियां जो लगातार आज जिस स्वरूप में हम लोग देख रहे हैं, उसमें पहुंचाने का कहीं ना कहीं योगदान प्रिंटिंग प्रेस के क्रांति का भी है, जहां पे सहज रूप से एक ही तरीके के ग्रंथ के बहुत सारे कॉपियों को प्रिंट करने की एक व्यवस्था में बन पाई, और वो आम जनमानस तक भी सहज और सरल स्वरूप में पहुंच पाई। तो पुस्तकालय का ये जो पूरा परिवेश है जिसको हम सभी लोगों ने फील किया, और हमारे जीवन का एक अहम अंश है पुस्तकालय अगर हम देखते हैं, और पुस्तकालय को केवल नाम के साथ अगर हम कनेक्टिविटी में देखते हैं, तो शायद ऐसा कोई स्थान जहाँ पे किताबें रखने की कोई व्यवस्था है और वहाँ से हम किताबें ले सकते हैं, एक ही आयाम हो सकता है। लेकिन इसका जब बृहद रूप हम देखते हैं, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में पुस्तकालय किस तरीके योगदान करता है, उसका अपना क्या रोल होता है एक व्यक्ति के पूरे उसके व्यक्तित्व को निखारने में, तो आप बहुत साधारण रूप से अपने आसपास इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि जो अनुभव और सीख का जो दायरा हमारा है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो दो तीन तरीके से हम लोग उसको समझ सकते हैं। एक तो ये है कि हम जिस शिक्षा व्यवस्था से गुजर कर आते हैं, उस शिक्षा व्यवस्था में जो पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम जो पूरा अरेंजमेंट है उसका, उसके माध्यम से जो हमारा नॉलेज का एक पैटर्न चेंज होता है उसको हम देख सकते हैं। दूसरा ये है कि बहुत सारे विविध तरीके के लोगों से जब हमारी मुलाकात होती है, तो उनके ज्ञान को भी हम लोग अपने में समाहित करते हैं और बातचीत के दायरे में उसको ले आते हैं। साथ साथ देखा जाए तो विभिन्न तरीके के जो पुस्तकें पाठ्य पुस्तकों से इतर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर विभिन्न तरीके के जो साहित्यिक पुस्तकें हैं, विषयगत जो संदर्भ सामग्रियाँ हैं, अगर कोई व्यक्ति उसका जो पढ़ने का जो स्तर है वो अगर विविध आयामों में जुड़ा हुआ है, यानी वो अपने कोर्स कंटेंट को तो देख ही रहा है, साथ साथ अन्य जो संदर्भ सामग्रियाँ उसकी तरफ भी अगर वो बढ़ता है, तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि उसका जो समझ का जो स्तर होता है वो कहीं ना कहीं एक अपने में एक उसका एक लेवल अलग होता है। और जिन्होंने विभिन्न तरीके के ग्रंथों को पढ़ा हुआ है, विभिन्न तरीके के विचारों के साथ भी रूबरू हो रहे होते हैं, जो उस ग्रंथ को लिखने वाला व्यक्ति है, जो उसकी समझ है, जो उसकी खोज है, उसके अनुसार जो उसके विचार उसने उस पुस्तक में एक अगर देखा जाए, हम बात करें जो शब्दों के रूप में हमारे सामने आती है,
तो वो निश्चित रूप से वो किसी का विचार है, किसी का अपना ज्ञान है जो हमें सहजता के माध्यम से, इन किताबों के माध्यम से हमें मिल पाता है। लेकिन अगर आजकल की परिस्थितियों में देखा जाए तो शायद हम जैसे जो बहुत सारे पाठक जो पुस्तक प्रेमी हैं जिन्होंने विभिन्न तरीके के साहित्यों को पढ़ा हुआ है और पढ़ भी रहे हैं लगातार और पढ़ने की प्रक्रियाओं में भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इस दौरान पिछले 3-4 महीनों में एक बड़ी पुस्तकालय को लेकर एक अलग तरीके का एक चैलेंज हुआ कि पुस्तकालय उस तरीके फिजिकल रूप से सक्रिय नहीं रह पाए जैसे पहले की परिस्थितियों में हुआ करते थे। तो हमें से कई पाठकों ने विभिन्न तरीके के आयामों को अपनाते हुए अपनी जो पढ़ने की उनकी जो गतिविधि थी उसको जारी रखा, उसके अलग अलग स्वरूप उन्होंने देखे। जो मैं अभी बात कर रहा था आप लोगों से कि पुस्तकालय का एक स्वरूप वो है जहाँ पे किताबें हमें फिजिकल रूप से मिल रही है, कहीं पुस्तकालय में हम जाते हैं वहाँ पे किताबें अपने पसंद की जो हमारी विषयगत चीज़ें होती हैं उसको हम लेते हैं और पढ़ने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन समय की परिस्थितियों के साथ साथ जैसे अन्य क्षेत्रों में विस्तार हुआ है वैसे पुस्तकालय ने भी अपना स्वरूप काफ़ी कुछ बदला हुआ है पहले के अपेक्षा। तो आज आप देखेंगे कि हम लोग बात करते हैं, अगर सामान्य रूप से मैं ये बात करूं कि आज हमारे पढ़ने के तरीकों में कितना परिवर्तन आ चुका है, तो उस परिवर्तन को हम लोग 2-3 मोटे दौर में देख सकते हैं। पहला तो ये है कि हम फिजिकल पुस्तकालय का एक अपना स्वरूप है जिसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं और उसके साथ हम जुड़े रहते हैं। लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न होती हैं समयाभाव के कारण हम लोग उस तरीके की पूरी प्रक्रियाओं में नहीं जुड़ पाते, किसी पुस्तकालय में हमारा जाना नहीं हो पाता है, किसी किताब के साथ हमारा जुड़ाव उस तरीके नहीं हो पाता है जैसे साधारण रूप से हम लोग पहले कर रहे थे। तो उन परिस्थितियों में कई बार हम लोग पोर्टेबल उसके जो फॉर्मेट हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो फॉर्मेट हैं उनके साथ हम लोग अपनी जो आवश्यकताएँ हैं उनके साथ हम जुड़ते हैं और उस तरीके के कंटेंट का हम उपयोग कर रहे होते हैं। और इसके विभिन्न तरीके के माध्यम हो सकते हैं। पहला एक जो साधारण सा अगर देखा जाए जो माध्यम है तो उस माध्यम में हम देखते हैं कि हमारे पास वर्तमान स्थिति में हमारे पास मुख्य रूप से हम सभी के पास ज़्यादातर एंड्रॉयड की सुविधा है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ हम लोग हैं और काफ़ी कुछ अपनी जो चीज़ें हैं उनको ढूंढने की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं हम लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं और करते भी रहे हुए हैं पहले भी पूर्व में। तो देखा जाए इन परिस्थितियों के दौरान और इस तरीके की जो अभी जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई इनमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप जो पुस्तकालय का है, जो मैं अभी बात कर रहा था, एक तो फिजिकल स्वरूप किसी पुस्तकालय में जाना और वहाँ पुस्तकों को और चीज़ों को पढ़ना, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक जो स्वरूप है जो तकनीक समय के साथ साथ विकसित हुई है उस तकनीक से पुस्तकालय भी अछूता नहीं है अगर मैं कहूँ तो। और इस तरीके की प्रक्रियाओं में पुस्तकालय की पहुँच, विभिन्न तरीके के ग्रंथों की पहुँच और सहजता निश्चित रूप से काफ़ी स्तर तक बढ़ी हुई है। पहले की अगर स्थितियों में हम बात करें तो शायद अगर हमारे ज़िले में कोई एक पुस्तकालय हुआ करता था तो हम केवल अगर हमें इस तरीके के ग्रंथों को पढ़ना है तो हमारे लिए पहला माध्यम क्या होता था, वो जिला पुस्तकालय या जिले में स्थित जो भी पुस्तकालय हो उसको हम लोग जाके उपयोग करते थे। लेकिन आप देखेंगे पिछले 10-15 सालों के दौर में काफ़ी कुछ इस स्वरूप में परिवर्तन आया और ये परिवर्तन इस तरीके का हम देख सकते हैं कि वो पुस्तकालय जो वास्तविक एक जो स्थिति थी उसकी पहले जिसको हम लोग उपयोग करते थे वो अब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के स्वरूप की तरफ भी अपने को लेकर आगे बढ़ रही है। और उसके पीछे भी कारण कई सारे हो सकते हैं। पहला कारण अगर मैं कहूँ तो अगर पुस्तकालय को अपनी पहुँच आम जनमानस तक और सुलभ करनी है और सहजता के साथ उसको पाठकों के साथ कनेक्ट होना है तो जाहिर सी बात है कि ये समय की एक आवश्यकता है कि आपको डिजिटल पुस्तकालय की तरफ बढ़ना पड़ेगा और डिजिटल पुस्तकालय के माध्यम से आपको अपने पाठक वर्ग के साथ कनेक्ट रहने की ज़रूरत भी है। तो इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे दायरे में आप देखेंगे और हम लोगों ने भी ये फील किया हुआ है कि कई बार गूगल जैसा जो अपना सोर्स बड़ा है और विभिन्न ब्राउजर के माध्यम से जब हम गूगल की चीज़ें को ढूंढते हैं तो आप देखेंगे कई बार हमारी जो हमें आवश्यकता की चीज़ें हैं उनको ढूंढना हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। कई बार लगता है कि हम कैसे ऐसे सोर्स को ढूंढें। दूसरा माध्यम ये हो सकता है कि कुछ पेड ऐसे सोर्स हैं जैसे अमेजन पे आप देखोगे उन्होंने किंडल करके एक लॉन्चिंग किया है और काफ़ी अच्छा एक उनका वो प्रयास है। तो किंडल पे आप देखेंगे विभिन्न तरीके की किताबें आपको पढ़ने के लिए उपलब्ध हो जाती है
बशर्ते उसके लिए कुछ उनकी डिवाइस है उसको आपको उपयोग करना है, और आप उसको उपयोग करके उनके जो फॉर्मेट हैं किताबों के, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में आप किताबों को पढ़ सकते हैं। लेकिन इस तरीके के फॉर्मेट पे अगर हम उपयोग करते हैं तो देखते हैं कि उस पूरी प्रक्रिया में जो स्थितियाँ बनी हुई हैं उसमें अगर हमें कोई किताब किंडल से पढ़नी है तो उसके लिए शायद हमें कुछ पैसे खर्च करने की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है कई बार। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि जो पुस्तकालय हमें उस किंडल पे, जो किताबें हमें किंडल पे पेड मिल रही हैं जिनका हमें कुछ पैसा देना पड़ रहा है, उसी तरीके के संसाधन कई कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म गूगल पर उपलब्ध हैं जहाँ निःशुल्क उपलब्ध है हमारे लिए। हम निःशुल्क रूप से वहाँ पर जाके इस तरीके की किताबों को, इस तरीके की चीज़ों को हम लोग पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास, और पढ़ने की पूरी प्रक्रिया में उसको ले आ सकते हैं। तो आज जो अपनी बातचीत को मैं थोड़ा सा आगे की जो पूरी प्रक्रिया है उसको हम लोग अब इसी तरफ बातचीत करेंगे कि पुस्तकालय का जो बदलता स्वरूप है, जिस स्वरूप की मैं बात कर रहा हूँ कि पुस्तकालय और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार वो शायद बहुत कनेक्टिविटी के साथ है भी, तो हम कैसे इस तरीके के संसाधनों को ढूंढें और कहाँ ढूंढें, क्या उसकी प्रक्रियाएं हो सकती हैं हमारे लिए जहाँ पे हमें इस तरीके के निःशुल्क पुस्तकें, जब तक हम अपने वास्तविक पुस्तकालय की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं जहाँ वो एक्टिविस्ट रूप में नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको ढूंढें कैसे। पहला जो मैंने अभी आपसे बात की कि पहला जो उसका फॉर्मेट ये है कि आप उसको जो है गूगल पर साधारण रूप से आपको जो किताब चाहिए आप उसको ढूंढ सकते हैं जाकर, लेकिन वहाँ पे चैलेंज अलग टाइप के आएंगे, कभी आपको वांछित आपकी चीज़ें मिलेंगी और कभी ऐसी अवस्था भी हो सकती है कि शायद आपको उस तरीके की जो आपकी सामग्री है वो उपलब्ध ना हो पाए। तो मैं यहाँ पर दो तीन ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे डोमेन के ऊपर बातचीत रखना चाहूँगा जो हम सभी के लिए काफ़ी उपयोगी है और हम सभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में जब से COVID-19 का जो क्राइसिस हुआ है, इन परिस्थितियों में भारत सरकार की तरफ से पहले से इस तरीके का कुछ इनिशिएटिव किया जा रहा था कि भारत का अपना कोई डिजिटल लाइब्रेरी है क्या, और अगर नहीं है तो उसको लेकर हम लोग किस तरीके की चीज़ों को इसमें जोड़ सकते हैं, इस तरीके के पुस्तकालय को हम कैसे बढ़ा सकते हैं आम जनमानस के लिए सहजता से, कैसे हम उनको उपलब्ध करवा सकते हैं इस तरीके के संसाधनों को, इस पे लेकर भारत सरकार का पूरा जो रुख था वो बहुत ही सकारात्मक स्वरूप में हम लोग महसूस कर सकते हैं। और जो MHRD भारत सरकार का जो अपना एक भाग है उसकी तरफ से इस चीज़ को इनिशिएट किया गया, और IIT खड़गपुर ने इसको, ये जो पूरा प्लेटफॉर्म था इसको तैयारी करने की जिम्मेदारी ली, और उस पूरी प्रक्रिया में पिछले कई वर्षों में अगर हम लोग देखते हैं तो जो पुस्तकालय का हम लोग जिसमें बात कर रहे हैं तो भारत का अपना एक डिजिटल पुस्तकालय तैयार हुआ जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। आप इस अगर लाइब्रेरी में कभी आपको विजिट करने का अवसर मिले जो कि गूगल पर बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है, कभी आपको लगता है कि आप उसको देखना चाहते हो तो आपको गूगल पर सिंपली इस नाम को लिखना पड़ेगा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। जब इसको गूगल पर आप ढूंढेंगे तो आपके सामने जो पहला पृष्ठ खुल के आएगा वो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का जो पहला लिखा होगा उस पर आपको क्लिक करना है, और वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जब इंटर होते हैं उस डिजिटल लाइब्रेरी में, उस डिजिटल लाइब्रेरी में आप देखेंगे आपको विभिन्न तरीके के कंटेंट उपलब्ध मिलेंगे, और जिसमें साहित्यिक जितने इस तरीके के कंटेंट हैं बहुत आय संख्या में आपको वहाँ मिलेंगे, और साथ साथ विषयगत अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो वो भी हमें वहाँ पे बहुत ही सहजता से उपलब्ध है। आपको गूगल पर इधर उधर कहीं ज़्यादा ढूंढने की शायद जो हम लोग मशक्कत करते हैं कई बार, उस पूरी प्रक्रिया से हम लोग इस डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग करके शायद उसे हम लोग निजात पा सकते हैं, और अपनी अपनी जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं, अमूमन हम लोग साहित्य में बड़े बड़े नाम जब देखते हैं कि भाई उस तरीके की किताबें, मान लीजिए मैं राज दरबारी की बात करूँ और राज दरबारी अगर हमें गूगल पर ढूंढना है तो शायद राज दरबारी ढूंढने की प्रक्रिया में थोड़ा सा हमें जटिलता का सामना करना पड़े, लेकिन जब हम नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की तरफ आते हैं और यहाँ का जो वेबसाइट का जो पूरा फॉर्मेट है, जो इस लाइब्रेरी का पूरा फॉर्मेट है, जब आप उसको देखते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बहुत सहज रूप से वहाँ पे
आपको उससे संबंधित किताबें मिल जाएंगी और आप आराम से उन किताबों को ढूंढ कर उनका उपयोग अपने लिए कर सकते हैं। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एशिया की, अगर मैं ये कहूँ कि ये एशिया की एक बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा इस पूरी प्रक्रिया में। और मौजूदा समय में जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं उसमें इस लाइब्रेरी का स्वरूप दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। स्वरूप बदलने का मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो ये है, इसमें जो उपलब्ध संसाधन है उन संसाधनों का जो पूरा एक दायरा है वो लगातार विस्तार हो रहा है। मान लीजिए कि अगर आज के 2 महीने पहले मैं बात करूँ इस लाइब्रेरी पर कितने साहित्य उपलब्ध थे, तो मान लीजिए अगर 3 लाख रिसोर्स उस समय उपलब्ध थे इस लाइब्रेरी पर, तो मौजूदा समय में उसकी जो उपयोगिता और जो उपलब्धता है वो कई गुना बढ़ चुकी है। उसके पीछे के कारण अगर आप देखेंगे तो कई सारे पुस्तकालय जो वर्चुअल रूप से संचालित हो रहे हैं, उस पुस्तकालयों की तरफ से इसमें सहयोगिता अपनी दी गई है। और जहाँ पे इस तरीके के डिजिटल कंटेंट जिन पुस्तकालय के पास उपलब्ध है, उन्होंने भी इस अपनी डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के साथ कनेक्टिविटी की है और अपने जो भी उनके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के जो भी उनकी किताबें मटेरियल्स थे उसको इस पर प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो लगातार भारत में उपलब्ध कई सारे इस तरह के पुस्तकालय डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। अपने कंटेंट को वो यहाँ पे एक्सेस के लिए प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ से कोई भी कंटेंट स्वयं के लिए उपयोग कर सकते हैं, स्वयं के स्तर पर उपयोग कर सकते हैं। और इस तरीके की चीज़ों का आपको PDF फॉर्मेट से लेकर वर्ड फॉर्मेट और जो और भी किंडल के जो सपोर्टिव फॉर्मेट है EPUB और इस तरीके का सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अपनी प्रक्रिया में। और आप इसको उसमें जोड़ सकते हैं, इस पूरे दायरे को अगर आप देखेंगे तो ये जो स्थितियाँ हैं इसमें, तो कभी भी आपको जब लगता है इस तरीके का पूरा चीज़ें देखनी है तो आप इजीली आराम से इसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और इसमें से कुछ डाउनलोड करके अपने पास रखिए। बशर्ते इसमें अपने को करना क्या है कि ये कॉमर्शियल पैटर्न को अलाउ नहीं करता है, यानी यहाँ पर उपलब्ध अगर कोई किताब है और आपने उसका उपयोग कॉमर्शियल स्वरूप में किया तो शायद उसके लिए ये वेबसाइट आपको छूट नहीं देती है इस तरीके की चीज़ों के लिए। आप स्वयं के स्तर पर एक पाठक के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं जब भी आपको लगे, तो आप स्वयं के स्तर पर इसका उपयोग करें, खुद पढ़ें। खुद पढ़ने के लिए इसको आपको डाउनलोड करना है, आप डाउनलोड करके इसके फॉर्मेट को रखें। लेकिन आपको इसको अगर मल्टीपल कॉपी में प्रिंट करने की ज़रूरत है, शायद वो जो कॉपीराइट एक्ट होता है जो किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर लागू होता है कि हमारा विचार है जो है, जिस विचार के साथ हमने उस पुस्तक को लिखा है, कोई बिना हमारी स्वीकृति के उस पुस्तक को दोबारा ना छापे, जब तक हम उसको ना बोले तब तक वो छापने की छूट उसको नहीं होनी चाहिए। तो वो आप इसमें देख सकते हैं इस तरीके का। तो इसके अलावा अगर अपन बात करें तो हम सभी लोग ज़्यादातर हिंदी भाषी ब्रांड से अभी संबंधित अगर मटेरियल को देखें तो उसको ढूंढने में हमारे साथ एक अलग तरीके की दिक्कत लगती है। तो इसी प्लेटफॉर्म के साथ एक और पुस्तकालय में आप लोगों के साथ यहाँ पे बातचीत रखना चाहूँगा और आप देखेंगे कि जो अभी जो इस दौरान जो पुस्तकालय की स्थिति है जिसमें मैंने चर्चा की है, तो उसमें एक नया इनिशिएटिव किया गया है, वो है ई पुस्तकालय के नाम से। ई पुस्तकालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमें हिंदी से संबंधित यानी हिंदी भाषा में जो भी कंटेंट लिखे हुए हैं उसकी सहजता से वहाँ पे उपलब्धता हो पाती है हमारे लिए। और हम देखेंगे कि सहज रूप से वो हमारे लिए पढ़ने के लिए वहाँ पे उपलब्ध है। आप हिंदी में अगर इतिहास की किताबें आपको कुछ हिंदी भाषा में ढूंढनी है तो वो वहाँ आपको उपलब्ध मिलेंगी। और आपको भूगोल की है, विज्ञान की है या फिर गणित की है, इस तरीके के साहित्य की अगर मैं बात करूँ, अगर आप उसको ढूंढना चाहते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे आपको वो इस तरीके की चीज़ें उपलब्ध मिलेंगी और आप उसको वहाँ पे भी जाके ढूंढ सकते हैं। ई पुस्तकालय की विशेषता ये है कि जब भी आप यहाँ पे विजिट करेंगे गूगल के माध्यम से, तो ई पुस्तकालय में आपको जब भी आप किसी किताब को सर्च करते हैं वहाँ पे, तो जैसे ही आप किताब का नाम डालेंगे वो किताब से संबंधित जो आप टाइटल डालेंगे, जो उसका नाम होगा, एक तो उस माध्यम से आप उसको ढूंढ सकते हैं। दूसरा, आपको लगता है कि भाई किसी लेखक के नाम से मुझे ढूंढना है कि इस लेखक ने या प्रेमचंद जी ने कितनी किताबें लिखी हैं, उससे संबंधित कौन कौन सी किताबें यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आप उस लेखक के नाम से भी उसको ढूंढ सकते हैं।
और तीसरा यहाँ पे ये सुविधा दी गई कि आप विषयगत चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए आपको उपन्यास साहित्य का एक भाग जो है उपन्यास, अगर आपको केवल उपन्यास देखना है तो आपको साधारण रूप से ई पुस्तकालय के ऊपर जाकर उपन्यास टाइप करना है, और उपन्यास की कैटेगरी में जितने उपन्यास वहाँ पे उपलब्ध होंगे वो सारे के सारे लिस्ट आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी, और आप उसको देख सकते हैं वहाँ से। उस लिस्ट में आपको एक और सही जो मुझे लगता है कि इसमें सुविधा दी गई है वो ये है कि कोई भी फाइल कितनी बड़ी है, यानी पीडीएफ को जब हम डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, तो उसकी जो साइज होती है वो भी मायने रखती है। तो वहाँ आप देखेंगे कि आपको एक ही किताब के मल्टीपल साइज की टाइटल मिलेंगे। मान लीजिए कि अगर प्रेमचंद का मैं गोदान देख रहा हूँ तो गोदान की कोई फाइल हो सकता है 2 MB की हो, और कोई कंप्रेस जो फाइल होगी हो सकता है वो 1 MB या 1.5 MB की फाइल हो। उदाहरण स्वरूप मैं ये कह रहा हूँ बात यहाँ पे। तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार वहाँ पे इस तरीके की चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं उसको, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक सुविधा और है कि आप कई सारे फिल्टर की सुविधा वहाँ पे दी हुई है कि आप उस फिल्टर को लगा के भी अपना जो वांछित आप जो ढूंढना चाहते हैं वो आप आराम से उसको ढूंढ सकते हैं वहाँ पे। तो दो बड़े डोमेन यहाँ पे जिसकी मैं बात कर रहा था, एक तो नेशनल रजिस्टर लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की बात है और दूसरा ई पुस्तकालय की बात। इन दोनों कंटेंट को अगर हम साधारण रूप से ढूंढते हैं तो शायद अधिकतर जो हमें अपने पढ़ने के लिए सामग्री चाहिए होती है वो यहाँ पर हमें उपलब्ध मिल पाएगी, और उनका PDF फॉर्मेट मिल पाएगा। जब तक आप कभी ऐसी स्थितियाँ साधारण रूप से अगर मैं कहूँ कि जब अपना पुस्तकालय फिर से पूरी तरीके एक्टिव हो जाएगा, फिजिकल पुस्तकालय जहाँ पे हम जाके बैठ के किताबों के साथ हमारा जुड़ाव हो पाएगा, तो जब तक वो नहीं हो रहा है उस स्थितियों में उस समय के दौरान शायद हम इस तरीके के कंटेंट का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट का अपना एक दायरा है और उसको लेकर हमारी एक सहजता भी है शायद। तो अगर हम देखते हैं किसी फिजिकल लाइब्रेरी के साथ, फिजिकल किताबों के साथ जो हमारा जुड़ाव हो पाता है, शायद वो डिजिटल कंटेंट के साथ उस रूप में हम नहीं जुड़ पाते हैं, उस रूप में उसके साथ हम सहज नहीं हो पाते हैं। उसके कारण विविध तरीके के हैं। अगर हम देखेंगे कुछ बायोलॉजिकल कंडीशन भी होती है और कुछ साइंटिफिक अप्रोच भी वहाँ काम करता है। किसी डिजिटल कंटेंट को जब आप लगातार किसी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं तो वो जो स्ट्रेस का लेवल होता है उसका, वो किस तरीके काम करता है, कैसे वो हमारे पूरे शारीरिक गतिविधियों पर कैसे उसका असर होता है, तो अपन वो एक दायरा उसका हो सकता है इस पूरी प्रक्रिया में। लेकिन अगर इसके इतर देखेंगे जो हमारा पुस्तकालय है, जहाँ से हम पुस्तकालय वास्तविक रूप में पुस्तकें लेते हैं, पुस्तकों को हाथ में पकड़ कर पढ़ने का अपना जो अनुभव है वो अलग एक आयाम होता है। लेकिन आज के समय में हमारा जो समय, अभी मौजूदा समय में जो ज़्यादातर जो समय हमारे पास उपलब्ध है उनका उपयोग शायद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट और इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों में लगातार कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारी सोशल नेटवर्किंग हो या फिर इस तरीके के संसाधनों की उपयोगिता की बात हो। तो इसको हम लोग इस रूप में देख सकते हैं कि ये एक तरीके का ऑप्शनल हो सकता है हमारा, कि अगर जब तक हमें उस तरीके के पुस्तकालय का अवसर नहीं मिल रहा है तब तक हम इसको उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ इनको हम अपने पास कभी भविष्य में हमें ज़रूरत पड़े उसको रेफरेंस के रूप में अपने पास सामग्रियों को रख सकते हैं। शायद अगर हमें 20 किताबें रखनी है तो 20 किताबों के लिए जो स्पेस की ज़रूरत होती है, लेकिन डिजिटल कंटेंट को जब आप रखते हैं तो बहुत कम स्पेस के साथ उसका मल्टीपल कलेक्शन हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 GB का कोई एक मेमोरी कार्ड है और उसमें मुझे इस तरीके के कंटेंट को रखना है तो शायद उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, कंप्रेस करके मैं उसमें रख सकता हूँ इस तरीके की प्रक्रियाओं को। तो मेरी तरफ से जो आज बातचीत का जो पूरा दायरा था वो यही था कि डिजिटल कंटेंट को हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं, पुस्तकालय की अपनी उपयोगिता क्या है, और जिन परिस्थितियों में पुस्तकालय आगे बढ़ रहा है उन परिस्थितियों के साथ हम कितने सहज हो पा रहे हैं वो हम लोग इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने अनुसार इसको डिसीजन ले सकते हैं कि हमारे लिए वर्चुअल मोड ज़्यादा अच्छा है या फिर फिजिकल मोड। पुस्तकालय की उपयोगिता सदैव है और रहेगी, उसके स्वरूप में परिवर्तन जरूर हमें देखने को मिलेगा और उस परिवर्तन के कारण बहुत सारे शायद
समयाभाव हमारे पास और सहज रूप से उपलब्धता का जो मामला है वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरी तरफ से आज बातचीत में इतना ही था। अगर आप लोगों की तरफ से कोई प्रश्न या कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं इस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। समय अपना हो चुका है एक तरीके का, तो अपन रख सकते हैं इसे। तो मेरी तरफ से आज बातचीत के लिए इतना ही था। तो शुक्रिया साथियों, फिर मिलते हैं जनसरोकार मंच के इस पेज पर किसी नए साथी के साथ, किसी नए विषय वस्तु पे हम लोग दोबारा से बातचीत करेंगे और फिर इस पर चर्चा में आप लोग शामिल होइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।